Audio Jump. Audio Jump. Hello, myself MD Daghawala. मैं क्लास एट के चैप्टर नंबर वन मैथ का रेशनल नंबर पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में ये सब टॉपिक को कवर करूंगा। पहला तो व्हाट इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है क्या उसके बारे में, फिर विच टाइप ऑफ नंबर लाइन रेशनल नंबर, मतलब कौन सा नंबर जो है वो रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है ना। जैसे हो गया आपका होल नंबर, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, ये सब, या फ्रैक्शन आता या नहीं रेशनल नंबर में वो जानेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर है क्या, है ना, इसे कैसे पहचानेंगे वो जानेंगे। फिर डिफरेंस बिटवीन द फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के अंतर क्या है, इसके बीच में अंतर क्या है। और एक है व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो भी इस वीडियो में जानेंगे। फिर हाउ टू राइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, मतलब कोई भी रेशनल नंबर को इक्विवेलेंट कैसे करेंगे ये भी जानेंगे। पहला में आप पढ़ने जा रहे थे रेशनल नंबर, टेबल ऑफ कंटेंट में भी पहला था रेशनल नंबर, है ना। इस रेशनल नंबर पहले कहेंगे किसको, उसे हम सीखेंगे। मतलब कोई भी नंबर p by q के फॉर्म में होगा, कोई भी नंबर p by q के फॉर्म में होगा, और p एंड q दोनों इंटीजर होगा, p और q दोनों इंटीजर होगा, है ना, दोनों इंटीजर होगा। एक यहाँ पे कंडीशन है q इज इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, q इज इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, वे आर पी एंड क्यू आर इंटीजर, वे आर पी एंड क्यू आर इंटीजर, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होगा। इसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे दो बटा तीन, यहाँ क्यू इज इक्वल टू जीरो नहीं है, एंड थ्री जो इंटीजर है, टू भी इंटीजर, तो ये तो रेशनल नंबर है। और देखेंगे वन बाय थ्री, ये भी रेशनल नंबर है, फोर बाय फाइव, ये भी रेशनल नंबर है, पर जीरो जीरो इसके नीचे वन तो हाइट रहता है, हम सब जानते थे ये भी रेशनल नंबर है, पर वन बाय जीरो रेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि क्योंकि क्यू इज इक्वल टू यहाँ जीरो है, क्यू इज इक्वल टू जीरो है। जब हम रेशनल नंबर के डिफिनेशन में देख रहे हैं कि नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए, पर क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखा वन बाय वन बाय वन बाय जीरो जो था वो क्यू इज इक्वल टू जीरो है, है ना, तो इसलिए यह रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर क्यू इज इक्वल टू जीरो नहीं होता तो रेशनल नंबर होता। और अदर एग्जाम्पल देखते हैं, टू ट्वेल्व बाय फोर, है ना, ये सब अदर एग्जाम्पल है। अगर हम यहाँ लिखते 956 अपॉन जीरो, तो यहाँ q इज इक्वल टू तो जीरो हो गया, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर q इज इक्वल टू समथिंग रहा था, जीरो के एक्सेप्शनल पूछ रहा था, तो यहाँ पर रेशनल नंबर कहलाता। देखेंगे दूसरा में विच टाइप ऑफ नंबर लाइन द रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। जैसे पहले देखेंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और इसे हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, काउंटिंग नंबर। हमेशा हम पहले देखेंगे काउंटिंग नंबर स्टार्ट होता है कहाँ से। जब भी हम कभी गिनती करते हैं तो हम लोग इसे यहाँ पे, जैसे तीन आदमी बैठा हुआ है, वन टू थ्री, तीन आदमी, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं वन से, ये वन हो गया, ये टू हो गया, या थ्री हो गया, इसको कहते हैं काउंटिंग नंबर। हम तो कभी इस तरीके से जोड़ते नहीं है कि वन है, ये वन बाय टू है, वन बाय थ्री है, इस तरीके से कभी हम लोग जोड़ते नहीं थे, इसलिए काउंटिंग नंबर इसे नहीं कहेंगे। काउंटिंग नंबर उसे कहेंगे जो स्टार्ट होता है वन टू थ्री से, है ना, और ये तो जीरो से कभी स्टार्ट ही नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एक आदमी है तो बोलेंगे पहले जीरो वन टू, या इस तरीके से तो नहीं बोल सकते हैं। काउंटिंग नंबर होता है मतलब वन टू थ्री इस तरीके से, तो मतलब नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर उस नंबर को कहते हैं विच स्टार्ट फ्रॉम वन, द नंबर द
the number which start from 1, है ना, 1, 2, 3, 4 डॉट इंफोना, है ना। नंबर तो बहुत अनगिनत है, हम तो गिन नहीं सकते, तो वैसा नंबर जो वन वन से स्टार्ट हो, टू हो, थ्री हो, इस सबको तो हम नेचुरल नंबर कहते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है तो हम इसे कैसे गिनेंगे, पहला वन पहला गिनेंगे, फिर यहाँ दूसरा है तो दूसरा गिनेंगे, यहाँ तीसरा है तो तीसरा गिनेंगे। इसको तो हम इस तरीके से नहीं गिनेंगे कि 1/2 है ये 1/3 है, ये 5/2 है, इस तरीके से तो हम कभी गिनते नहीं है। जिसे नेचुरल नंबर ना, इसको नेचुरल नंबर हम नहीं कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे 1, 2, 3, 4, है ना। अब अभी तो हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, उसके बाद होल नंबर पढ़ेंगे, होल नंबर, दूसरा में होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं, वैसा नंबर, द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो, है ना, 0, 1, 2, 3, 4, उसको होल नंबर कहेंगे। जैसे द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, वैसा नंबर को हम होल नंबर कहेंगे, है ना। कभी भी कुछ पूछ ले कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर कितना है, स्मॉलेस्ट होल नंबर कितना है, तो जीरो, जीरो से स्टार्ट होता है होल नंबर, है ना। और इन तो इंडलेस है, है ना, हम नंबर को तो गिन नहीं सकते, इतना इंडलेस है ना, इनफिनाइट नंबर होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया जीरो, है ना। तो होल नंबर किसे कहेंगे, द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, है ना, इसे होल नंबर कहेंगे। अब तीसरा नाम पढ़ेंगे इंटीजर, है ना, इंटीजर। अब इंटीजर किसे कहेंगे, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर टुगेदर विद जीरो, अगर जीरो के साथ पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर रहेगा तो उसे इंटीजर कहेंगे। जैसे देखिए, पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर टुगेदर विद जीरो, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर टुगेदर विद जीरो रहेगा तब उसको कहेंगे इंटीजर। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ हो गया -1, -2, -3, -4, है ना। जैसे इसको कहेंगे इंटीजर, जीरो रहेगा और पॉजिटिव नंबर रहे और निगेटिव नंबर रहे, है ना। पॉजिटिव नंबर ऑलवेज राइट हैंड रहता है, राइट हैंड, है ना, और नेगेटिव नंबर ऑलवेज लेफ्ट हैंड बनता, लेफ्ट हैंड। हमने नेचुरल नंबर पढ़ा जो स्टार्ट होता है कहाँ से, वन से, है ना, इसी को नेचुरल नंबर कहते हैं ना, इसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। होल नंबर स्टार्ट होता है जीरो से, 0, 1, 2, 3, एंड इंटीजर जो होता है जीरो प्लस में पॉजिटिव नंबर रखता है और नेगेटिव नंबर रखता है। और रेशनल नंबर हम लोग पढ़े कि पी बाय क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और पी और क्यू का इंटीजर होना चाहिए और क्यू इज इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। और यहाँ वेन डायग्राम से हम समझेंगे कि रेशनल नंबर ये नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर और रेशनल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर वन है, इसका मतलब वन तो नीचे हार्ड है ना, बटा हुआ वन हार्ड रहता है, इसका मतलब ये हुआ कि नीचे ये पी बाय क्यू, क्यू इज इक्वल टू वन है, क्यू इज इक्वल टू वन है, इसका मतलब ये तो रेशनल नंबर है ना, क्यू इज इक्वल टू अगर जीरो रहता, क्यू इज इक्वल टू जीरो रहता तो रेशनल नंबर नहीं रहता। होल नंबर में जाएंगे तो होल नंबर भी इसी तरीके से है, 0/1, है ना, यहाँ पे वन हार्ड रहता है तो वन, इसका मतलब क्यू इज इक्वल टू कितना आ रहा, क्यू इज इक्वल टू आ रहा हमारा कितना, वन आया, क्यू इज इक्वल टू वन, और जीरो अगर आता तो वो मतलब रेशनल नंबर नहीं होता। इंटीजर, इंटीजर जैसे यहाँ देखे -1, इस पर वन हार्ड है, मतलब q इज इक्वल टू कितना आ रहा, वन आ रहा, q इज इक्वल टू कितना आ रहा, वन, मतलब रेशनल नंबर है, है ना। जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर होंगे, पर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर भी होंगे, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कि रेशनल नंबर 1/2, है ना, 1/2 होगा, -1/2 होगा, -2 भी होगा, 2 भी होगा, 0 भी होगा,
अब वन भी होगा, वन बाय टू भी होगा, ये रेशनल नंबर कल आएगा। और इंटीजर जो है, इंटीजर जीरो हो गया, माइनस वन वन, माइनस 23, ये तो कल आएगा ही। वो होल नंबर स्टार्ट होता है जीरो से, जीरो वन टू थ्री फोर, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है वन से, वन टू थ्री फोर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जितना भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होगा, जितना भी होल नंबर है वो इंटीजर होगा, और जितना भी इंटीजर है वो होल नंबर मतलब रेशनल नंबर होगा। और यहाँ पे ये तो देख ली, अब रेशनल नंबर जितना है वो इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि रेशनल नंबर में 1/2 है। इंटीजर फ्रैक्शनल फॉर्म रखता नहीं है, इसीलिए ये नहीं होगा, मतलब इंटीजर रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। और इंटीजर होल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर में माइनस है ना, इंटीजर में माइनस है, इंटीजर माइनस रखता है, और होल नंबर में डायरेक्ट जीरो से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव नंबर रखता है। इसका मतलब कि इंटीजर जो है वो होल नंबर नहीं हो सकता है, और होल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता है। फिर यहाँ देखेंगे, होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है, पर नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर को जीरो चाहिए होल नंबर होने के लिए। इसीलिए होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर हो सकता है, पर नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर में स्टार्ट होता है वन से, और होल नंबर स्टार्ट होता है जीरो से, है ना। इसका मतलब जीरो तो इसमें आ नहीं सकता नेचुरल नंबर में, इसलिए ये होल नंबर नहीं हो सकता, पर होल नंबर जो है नेचुरल नंबर हो सकता है। रेशनल नंबर हम जानते हैं, रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। अगर पी बाई क्यू सेम साइन का होगा, मतलब प्लस 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 प्लस, या पी बाई क्यू माइनस माइनस सेम साइन का होगा, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर कहेंगे, है ना। सेम साइन को होगा तब, जैसे p इज इक्वल टू 27 ले लेते हैं, और q इज इक्वल टू 9 ले लेते हैं, प्लस प्लस, मतलब ये पॉजिटिव में है। अगर सेम साइन करते हैं माइनस माइनस, माइनस 27 और 9 माइनस में, तो माइनस माइनस कर गया, मतलब ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर का डिफिनेशन हो गया कि द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q having same sign, है ना, having same sign, तब उसको कहेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर मतलब द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q having the same sign। जैसे यहाँ पे देखें P by Q same sign, प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो यहाँ पे देखेंगे 27/9, यहाँ पे प्लस और प्लस है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, यहाँ माइनस था माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसीलिए पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया उनका। हम नेगेटिव रेशनल नंबर देखेंगे। नेगेटिव रेशनल नंबर पहले तो जानेंगे रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और नेगेटिव रेशनल नंबर में वैसा नेगेटिव रेशनल नंबर में वन डिफर साइन होना चाहिए, मतलब जहाँ पी प्लस होगा और क्यू माइनस होना चाहिए, मतलब पी बाई क्यू, है ना, एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए, मतलब डिफरेंट साइन होना चाहिए। और यहाँ पे पी बाई क्यू या यहाँ माइनस होना चाहिए या यहाँ प्लस होना चाहिए, तो इसको कहेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर, है ना। फॉर एग्जाम्पल पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर कोई भी रेशनल नंबर, यहाँ माइनस 27 है, यहाँ अपॉन 9 है, तो ये तो हो गया नेगेटिव रेशनल नंबर, है ना। और यहाँ पे मान लीजिए कि माइनस 9 है, यहाँ पे 20, ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 9 माइनस में, ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर, क्योंकि डिफरेंट साइन है। जिसका हम डिफिनेशन देंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर का डिफिनेशन देंगे, द रेशनल नंबर है ना हैविंग डिफरेंट साइन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, है ना। अगर पी बाई क्यू में डिफरेंट साइन होगा तो नेगेटिव रेशनल नंबर कहेंगे, और पॉजिटिव रेशनल नंबर कब कहेंगे, जब पी बाई क्यू सेम साइन का होता है तब, जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, जैसे -2 / -7, मतलब ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, मतलब सेम साइन है ना। और नेगेटिव रेशनल नंबर किसे कहेंगे, डिफरेंट साइन रहेगा तब नेगेटिव रेशनल नंबर, जैसे -20/7 और पॉजिटिव रेशनल नंबर 2/7, है ना, या कहेंगे 2/-7, है ना, ये तो नेगेटिव रेशनल नंबर, और पॉजिटिव रेशनल नंबर -2/-7,
तब हम इसको कहेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर हैविंग द सेम साइन है ना, पी बाई क्यू का फॉर्म में होना चाहिए हैविंग द सेम साइन, और नेगेटिव रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए हैविंग द डिफरेंट साइन। अब यहाँ चौथा में है डिफरेंस बिटवीन द फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर। पहले देखते हैं फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इधर फ्रैक्शन हो जाएगा इधर रेशनल नंबर। इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है, जैसे फ्रैक्शन पी बाई क्यू का फॉर्म में होता है, इसमें भी पी बाई क्यू का फॉर्म में होगा है ना, रेशनल नंबर भी पी बाई क्यू का फॉर्म में होगा ठीक है। और यहाँ पे होता है क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो है ना, यहाँ भी होता है क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, पर मेन डिफरेंस यहाँ इसका है कि फ्रैक्शन ऑलवेज इन पॉजिटिव, फ्रैक्शन ऑलवेज इन पॉजिटिव, फ्रैक्शन ऑलवेज इन पॉजिटिव, बट रेशनल नंबर आइदर इट इज पॉजिटिव, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, पर फ्रैक्शन ऑलवेज इज पॉजिटिव। जैसे 2/7 है, 2/7 है, तो ये फ्रैक्शन होगा, ये रेशनल नंबर भी होगा। अगर -2/7 है, -2/7 है, तो ये फ्रैक्शन नहीं होगा पर रेशनल नंबर होगा। मतलब फ्रैक्शन मतलब पी बाई क्यू का फॉर्म में होगा, क्यू इज इक्वल टू जीरो नहीं होगा पर पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ 2/7 ये तो फ्रैक्शन है, पर -2/7 ये फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शन में ऑलवेज इन पॉजिटिव, बट इन रेशनल नंबर आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये -2/7 भी हो सकता है, 2/7 भी हो सकता है रेशनल नंबर। अब यहाँ देखा व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। अब रेशनल फॉर्म, रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, जैसे ए रेशनल नंबर ए एंड बी इज सेड टू बी अ स्टैंडर्ड फॉर्म इफ ए एंड बी आर इंटीजर हैविंग नो कॉमन डिवाइजर अदर देन वन एंड बी इज अ पॉजिटिव। मतलब अगर कोई भी रेशनल नंबर ए बाई बी का फॉर्म में होगा तो ए और बी इंटीजर होगा, इसके साथ नो कॉमन डिवाइजर होना चाहिए है ना, इसके साथ नो कॉमन डिवाइजर होना चाहिए। और जो बी होगा ना, बी ये बी होगा ना ऑलवेज इन पॉजिटिव, बी का होना चाहिए ऑलवेज इन पॉजिटिव, तब इसको स्टैंडर्ड कहेंगे। जैसे यहाँ 24/24 यहाँ पे लिख देंगे 8 लिख देंगे है ना, तो यहाँ पे इसका कॉमन डिवाइजर है, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहेंगे। जैसे 8 3 24 8 3 24। अब यहाँ 3 जो है ना, और यहाँ पे तो 1 हिडन है, तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब 24/8 का हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म 3/1 है ना। और देखो यहाँ जैसे -24/9 इसका कॉमन डिवाइजर क्या है, 3 इसका कॉमन डिवाइजर है, तो काटेंगे 3 3 9 8 3 24 है, इसका हो गया -8/3। -8/3 क्या हो गया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, -24/9 का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, या स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 29/9 का इसका स्टैंडर्ड फॉर्म -8/3, क्योंकि इसका आप डिवाइजर कॉमन डिवाइजर 1 बचा, तो यहाँ पे लिखा हुआ अदर देन 1, 1 को हटाकर कोई भी डिवाइजर अगर बचेगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं का, तो यहाँ पे तो 1 का अलावा और कोई डिवाइजर नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। और देखेंगे यहाँ, अगर हम यहाँ लेते हैं 62/22 -22, तो यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ 2 से काट देंगे, इसमें 2 कॉमन डिवाइजर है 3 1 1 1, तो यहाँ होगा 31/-11, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ कहता है बी इज पॉजिटिव होना चाहिए, जो यहाँ पे बी होगा ऑलवेज बीन पॉजिटिव, तब हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, किसी रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ देखें -31/11 जो है वो नीचे में माइनस था है ना, क्योंकि नीचे में, तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाएगा है ना, जब तक माइनस यहाँ पे लिखा हुआ बी इज पॉजिटिव, बी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब देखो यहाँ बी पॉजिटिव होना चाहिए, तो बी पॉजिटिव कब होगा, जो ये नीचे वाला माइनस है, ये नीचे वाला माइनस को ऊपर कर देंगे है ना, ऊपर यहाँ माइनस, अब यह स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आया, मतलब कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं बचना चाहिए है ना, a/b या a/b का फॉर्म में होना चाहिए, और कॉमन डिवाइजर नहीं बचेगा, और हमेशा जो बी होगा, जो डेनोमिनेटर होगा, ऑलवेज बी पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि डेनोमिनेटर ऑलवेज बी पॉजिटिव है ना। जैसे यहाँ पे -20/
थ्री है ना, काटेंगे नाइन बारह माइनस नाइन अपॉन वन है ना, तो ऑलवेज भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव डिनोमिनेटर है तो कहेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशन नंबर नहीं है। जैसे यहाँ पर देखेंगे थ्री बाय माइनस नाइन, अब इसको काटेंगे तो वन बाय माइनस थ्री, तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे माइनस वन बाय थ्री, तब यह स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ है ना। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल नंबर तभी होगा जब उसका डेनोमिनेटर है ना वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा है ना। अब यहाँ रेशनल नंबर आया समझ में। अब अगला अब सिक्स टेबल ऑफ कंटेंट में सिक्स में जाएंगे। यहाँ देखेंगे हाउ टू राइट इक्विवेलेंट ऑफ एनी रेशनल नंबर, मतलब कोई भी रेशनल नंबर को इक्विवेलेंट कैसे लिखे। पहले तो हमें जानना पड़ेगा इक्विवेलेंट कहते हैं किसको, इक्विवेलेंट कहते हैं किसको। टू रेशनल नंबर आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे आर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सेम, दो रेशनल नंबर तभी इक्विवेलेंट कहा जाएगा जब उसका स्टैंडर्ड फॉर्म सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 24 अपॉन 8 है, ठीक है, जब इसको हम कट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म पर लाएंगे 3 अपॉन 1 आ जाएगा है ना। और यदि एक और एग्जाम्पल अदर एग्जाम्पल लिखते हैं 36 अपॉन 2 है, यदि इसको कट करेंगे तो 3 अपॉन 1 आ जाएगा। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म सेम आया मतलब 24 अपॉन 8 और 36 अपॉन 2 ये इक्विवेलेंट है, क्योंकि जब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ रहा है सेम आ रहा, तो इसका इक्विवेलेंट कैसे बना सकते हैं। कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी नंबर रहेगा अगर उसका मतलब डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे ना तो न्यूमरेटर आएगा, जैसे इंटू ए इंटू ए, तो इसका होगा 2 अपॉन 8 एंड 4 अपॉन 8, तो ये क्या हुआ, ये इक्विवेलेंट हुआ। इक्विवेलेंट किसको हो गया, 2 अपॉन 4 का इक्विवेलेंट हुआ। और जितने से मल्टीप्लाई किए थे उतने ही से मतलब डिवाइड करते हैं दोनों में, अब मतलब डिवाइड बाय एन डिवाइड बाय एन, तो 2 अपॉन 4 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया कि नहीं, तो इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट है ना। मतलब कोई भी नंबर जब उसका स्टैंडर्ड फॉर्म किया जाए तो सेम आ, जैसे यहाँ पे कोई भी ले लें 27 अपॉन 36 है ना, या फिर हो गया यहाँ 4 अपॉन 2, इसको इससे कैंसिल करेंगे 2 और इससे कैंसिल करेंगे 2, मतलब 2 इज इक्वल टू 2, मतलब इसका क्या है इक्विवेलेंट है, मतलब दोनों साथ है ना। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म लाएंगे तो क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म लाने से अगर सेम आया तो इसको मतलब हो गया कि उसका इक्विवेलेंट है। जैसे यहाँ पे है 24 अपॉन 8 36 अपॉन 12, 24 अपॉन 8 और 36 अपॉन 12 ये दोनों का इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट हम कैसे जाने, क्योंकि इसका जब हम नॉन कॉमन डिवाइजर बचा ना, कॉमन डिवाइजर जब नहीं बचा तो यहाँ पे 3 अपॉन 1 आया, 3 अपॉन 1 इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट है। दोस्तों अगर अच्छा इस वीडियो को समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए है ना।